सीबीआई की मांग होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार हरियाणा सरकार का विषय नहीं है। जांच पूरी करने के बाद भी परिवार को तसली नहीं होगी तो निश्चित रूप से सीबीआई को देंगे। कोई भी हत्या होती है उसमें कोई दोषी छूटता नहीं है। अगर रोडवेज के केस की बात करें तो ब्लाइंड एकदम था, लोग भाग चुके थे, निकल चुके थे। वो कोई एकाध गलती कोई हुई होगी तो उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन जनरलाइज नहीं करना चाहिए, कोई अपवाद हो सकता है। जहाँ तक टीचर्स का विषय है, जितने टीचर पहले थे आज भी उतने ही हैं। देखिए, किसी ने भी, हमने भी कहा है कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार हरियाणा सरकार का विषय नहीं है, गोवा का विषय है। हमने वहाँ पर लिखित में भेज दिया है और हमारे होम डिपार्टमेंट भी लिखा है, मैंने भी पत्र लिखा कि इसकी जो सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब गोवा पुलिस चूँकि सारी छानबीन अपने आप पूरी करके, उनका कहना है कि हम एक बार जाँच पूरी कर लें, जांच पूरी करने के बाद भी परिवार को तसली नहीं होगी तो निश्चित रूप से सीबीआई को देंगे। हाँ, उस जांच में अगर इतना सब निकल आया कि परिवार के लोगों की संतुष्टि होगी तो फिर परिवार संतुष्ट होगा। देखिए, घटनाएं नहीं होनी चाहिए, सब दुखद है, लेकिन आपको पता है कि पुलिस का काम है कि दोषी को जल्दी पकड़ना। कोई भी हत्या होती है उसमें कोई दोषी छूटता नहीं है। अगर रोडवेज के केस की बात करें तो ब्लाइंड एकदम था, लोग भाग चुके थे, निकल चुके थे, और पुलिस ने अपनी छानबीन करने के बाद दिल्ली से रात को एक गाड़ी जिसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो सवार थे जिन्होंने हत्या की थी, उस गाड़ी के टक्कर मार करके उसको रात को करमपुरा से, और एक लड़की जो उसमें थी उसकी निशानदेही मिली, उसको पकड़ा। बाकी तीन लोगों की भी जानकारियाँ मिल गई हैं, वो भागे हुए हैं, लेकिन क्योंकि जब पहचान हो गई है तो इसलिए कोई छूटेगा नहीं। जैसे ही पुलिस के काबू में आएंगे सबको दंडित किया जाएगा। कोई जाति सरकार के नहीं है, क्योंकि ये 2010 से शायद 9 से या 10 से केस चल रहा है, कोर्ट तक चला गया केस, और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब चूँकि वो एक्वायर करने का निर्णय है, वो एक्वायर कर लिया गया है। इतना ही अब भेद रह गया है कि रेट चूँकि 2010 के वो बहुत कम थे, और उन पर हमें भी लगता है कि आज के समय में उनको उसका और लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए हम स्पेशल पॉलिसी बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो उनकी सहमति से ही बनेगी। अगर वो सहमत होते हैं तो हम उनको और लाभ देने के लिए तैयार हैं। ऑनलाइन शिक्षकों के जो तबादले किए गए, उसमें कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ दो दो प्रिंसिपल चले गए हैं, कई जगह ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल स्टाफ ही, टीचर ही नहीं गए, प्रिंसिपल ही नहीं गए, उनको लेकर। देखिए, पहली बात तो ये कहीं भी नहीं हुआ कि कहीं दो प्रिंसिपल चले गए। आपके गृह जिले में कोई स्कूल है जहाँ पे चार चार एक सब्जेक्ट के चार प्रोफेसर गए? नहीं, वो कोई एकाध गलती कोई हुई होगी तो उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन जनरलाइज नहीं करना चाहिए, कोई अपवाद हो सकता है। जहाँ तक टीचर्स का विषय है, जितने टीचर पहले थे आज भी उतने ही हैं, लेकिन उसमें जो अंतर था कि कई बार टीचर प्यूपल रेशो, कहीं कहीं तो बच्चे कम हैं अध्यापक ज़्यादा हैं, कहीं अध्यापक कम है तो बच्चे ज़्यादा हैं इन रेशो, तो उस नाते से उसको रैशनलाइज किया गया है। और रैशनलाइज करने के बाद स्वाभाविक है, जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं टीचर कम है तो ज़्यादा टीचर वाले स्कूलों में से कुछ निकाल के उधर भेजे हैं। अब उसकी रेशो एक जैसी रहे सब्जेक्ट वाइज और प्राइमरी में क्लास वाइज, क्योंकि प्राइमरी तो सब अध्यापक जो हैं सब बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इसके ऊपर PGT TGT उनका सब्जेक्ट वाइज वितरण होता है। हाँ, उसमें कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि पहले रेगुलर TGT PGT उनके ट्रांसफ़र किए जाए, इसके बाद जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको बाद में किया जाए। अब हालांकि गेस्ट टीचर्स की डिमांड ये थी कि हमको भी साथ ही करना चाहिए, लेकिन कोर्ट के निर्णय के कारण से पहले फेज में जब TGT PGT को दिया गया है, उस समय थोड़ा सा ये आकार मचे कि हमारे स्कूलों में तो अध्यापक कम हो गए। अब उस समय तक 8000 टीचर जो गेस्ट टीचर्स थे उनका ट्रांसफ़र भी होना शेष था, वो भी सूची में आए नहीं थे। पहले PGT TGT टीचर्स के ट्रांसफ़र होने के बाद अब 8000 जो बाकी हैं वो आज सायंकाल तक, रात तक नहीं तो कल सायंकाल तक, वो 8000 टीचर्स वो भी प्लेसमेंट मिल जाएगी और सब ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद कोई कठिनाई, जहाँ जहाँ आज कहा जा रहा है कि टीचर कम है, 8000 टीचर बहुत बड़ी संख्या होती है, लगभग 400-500 स्कूल ऐसे हैं जहाँ अभी जो थोड़ा सा असंतोष है, और उसमें कहीं 10 टीचर जाएंगे, कहीं 8 जाएंगे, कहीं 5 जाएंगे, तो ये सब जो कमी है ये पूरी हो जाएगी। सर, इससे जुड़ा सवाल है, मेवात के सर्वाधिक बुरा हाल है, मेवात के कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ टीचर्स ही नहीं, बिना टीचर्स के बच्चे पढ़ रहे हैं सर सरकारी स्कूल। मेवात चूँकि डिस्ट्रिक्ट कैडर का एक व्यवस्था है वहाँ, क्योंकि बाकी हरियाणा के कैडर अलग है, मेवात का कैडर अलग है,
हरियाणा के जब ऑप्शन मांगते हैं तो टीचर मेवात के जिले में दोनों कारणों से नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनका कैडर नहीं है इसलिए जा नहीं सकते, और जिनका कैडर एक स्टेट लेवल का वो उधर जाने की इच्छा रखते नहीं, क्योंकि हमारी टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी का जो सबसे विशेषता है कि हम टीचर्स की जो उसकी सीनियोरिटी है उस सीनियोरिटी के हिसाब से उसकी इच्छा के हिसाब से भेजते हैं। जो जितने स्टेशन ऑप्शन में भरता है वो पहले जाएगा वहाँ, जिसको कोई ऑप्शन कहीं और नहीं मिलती उन्हीं को हम मेवात में भेज सकते हैं। और मेवात में तो हमने ऐसे टीचर्स को 10% सैलरी भी अलग से ऑफर की हुई है। आज जहाँ डिस्ट्रिक्ट कैडर है उसमें भर्ती शुरू कर दी है। 500 टीचर्स अभी पिछले महीना भर पहले जो हैं PRT के प्राइमरी टीचर्स के वो भर्ती हो चुके हैं, जा चुके हैं, और अभी 400-500 की कमी है और बहुत जल्दी इस फेज को पूरा करेंगे। धन्यवाद।